हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एम आई ऑडिबल एंड विजिबल क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं बेटा आप सभी प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल गुड इवनिंग एवरीवन हेलो जी सत कैसे हैं आप सभी सो आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट फटाफट से क्लास में आ जाओ क्लास को लाइक और शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी आ जाएं बिकॉज आज जो हम फाइनल एग्जाम रिविजन सीरीज के अंदर चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है द वॉइस ऑफ द रेन ऑलरेडी जैसे कि आपको पता है मैं क्लास इलेवेंथ का फुल सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ ठीक है आपको क्लास इलेवेंथ की हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स एवरी थिंग इज एक और बार आपको रिविजन करा रही हूँ, ठीक है तो अगर आपका पेपर है अर्जेंट में आपको देखना है तो सारी वीडियो चैनल पर है okay, तो क्या हाल चाल है क्लास को लाइक और शेयर कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट amazing अमेजिंग क्लास ऑफ आर्स हेलो All राइट right. तो यार हम इसकी समरी नहीं बच्चा पूछ रहा पूछा मैम समरी करेंगे क्या केवल नहीं हम इसको डिटेल में देखेंगे लाइन बाय लाइन पहले भी पढ़ा चुकी हूं मैं पहले समरी भी करा चुकी हूं मैं है ना बट आज हम इसको दोबारा से एक बार लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे पोम्स को पढ़ने का ना मजा तभी आता है जब हम उसे लाइन बाय लाइन पढ़ें अगर हम पोम को समरी के फॉर्म में पढ़ लेते हैं ना तो वो फिर मजा खराब हो जाता है बेकार हो जाता है सो पोम का असली मजा है जब हम उसको लाइन बाय लाइन ही पढ़े ठीक है हाउ इज जो नाउ जो इज ओके शी इज बेटर थैंक यू फॉर आस्किंग चलो तो फटाफट से एक बार सारे बच्चे आ जाओ जल्दी जल्दी ओके शुरू करें कंग्रेट्स फॉर फिफ्टी के इन एडवांस अब भी एडवांस में क्यों जब हो तभी करना ठीक है जब हो जाए तभी करना <laughs> ये इसको लग जाएगा यार गरम नो जो गंदी लड़की अभी बस ये चली जाएगी दो मिनट में एक्चुअली इधर ना नीचे ना लाइट रख रखी है Uh, जिसका जिससे मैं गोरी दिखूँ <laughs> मजाक कर रही हूँ जिससे मतलब बोर्ड uh, ज़्यादा डल ना दिखे तो लाइट रख रखी है नीचे तो ये आकर ना उस लाइट को वो करती रहती है चाटती रहती है तो इसलिए इसका आना यहाँ पर अलाउड है नहीं तो अभी किसी काम से गेट खोला तो ये आ गई है बस अभी चली जाएगी इन टू मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट दे क्लास ठीक है कंग्रेट्स फॉर फोर्टी पॉइंट सेवन थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरे यार महिमा सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल सही बोला महिमा ने कि आपने बोला था आप मेंटी कराओगे इस क्लास में कोई बात नहीं कल तुम्हारी मेंटी पक्का कल क्लास इलेवेंथ की मेंटी क्विज पक्का ठीक है अभी जितने बच्चे यार क्लास में आ गए वो क्लास को लाइक भी कर दो क्योंकि मुझे लाइक्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे क्लास में ठीक है तो कल क्लास इलेवेंथ की मेंटी क्विज पक्का से करेंगे हम बेटा डेविल किंग स्पैम मत करिए बेटा प्लीज है ना जय श्री राम दिल में होना चाहिए कमेंट में भी हो गया है बट स्पैम मत करिए श्री राम दिल में होते हैं दिल में बसते हैं चलो

ठीक है ये बहुत ज्यादा फेमस टीचर भी थे इनके जो स्टूडेंट्स थे इनसे काफी ज्यादा प्यार करते थे जर्नलिस्ट भी थे ये ठीक है तो ये अगर आप याद रखते हो अच्छी बात है थोड़ा सा पता होना चाहिए पोइट के बारे में बट आपको एटलीस्ट इतना तो बच्चों दिमाग में रखना है कि वॉल्ट विटमेन ने हमारी इस कविता को लिखा है ठीक है right. पूरी पोम पूरी के अंदर रेन और म्यूजिक को ना एक दूसरे से कंपेयर किया गया है ठीक है हम लास्ट की लाइंस में देखेंगे कि रेन और म्यूजिक की एक तुलना की गई है उन दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन किया गया है इनको कंपेयर किया गया है। बोला है दोनों ही अपने अपने सोर्स से ओरिजिनेट करते हैं दोनों ही वर्ल्ड की हेल्प करते हैं और वापस अपने सोर्स पे आ जाते हैं अब इसका मतलब क्या है कौन से सोर्स की बात हो रही है क्या इसमें एक्चुअल बात है ये हम कविता में ही देखेंगे अपनी पोम में ही देखेंगे ठीक है अब यहाँ से हमारी पोम शुरू है तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दें ओके सो लिखा है सॉफ्ट फॉलिंग शार अब आप अगर ये, ये येलो बॉक्स देखोगे तो उसमें हु क्या मतलब है हु आर यू इसका मतलब है आर और दो का है यू आई आई कौन है हमारे पोएट तो वो क्या बोल रहे हैं पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं ना बारिश से कॉन्वर्जेशन कर रहा हूं मैं ना बारिश से बात कर रहा हूं मैं रेन से कॉन्वर्जेशन कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर लिखा है सॉफ्ट फॉलिंग शार विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर हेयर ट्रांसलेटेड तो अब लाइन में पोएट सॉफ्ट फॉलिंग शार मतलब यहाँ पे रेन रेन से बातचीत कर रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो हु आर यू एंड फिर खुद ही बोल रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रेंज बात है क्योंकि obviously आप अगर बारिश से बात करोगे तो वो आपको जवाब तो देगी नहीं क्या बारिश आपको जवाब देगी आप बोलोगे भाई तू कौन है तो वो बोलेगी हाँ भाई मैं ये हूँ मैं ऐसी हूँ तू कैसा है क्या वो जवाब देगी नहीं देगी तो इसीलिए पोएट बोल रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है कि बारिश ने मुझे जवाब दिया और मैं उसके जवाब को आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूं ठीक है एज ट्रांसलेटेड लिखा है यानी कि ट्रांसलेट कर देता हूं अब यहाँ से बारिश क्या जवाब दे रही है आई अब यहाँ पर आई कौन है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा आई है बेटा जी रेन अब यहाँ पे रेन क्या बोल रही है आई एम पोम ऑफ अर्थ सेट दी वॉइस ऑफ द एटर्नल आई राइज एटर्नल मतलब नेवर एंडिंग अन इंपल्पिबल मतलब जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी तो अब रेन क्या जवाब दे रही है इसको समझने की कोशिश करो ठीक है बेटा रेन बोल रही है कि भाई लोग देखो मैं क्या हूं इस इस धरती का इस अर्थ का क्या हूं पोम हूं एक संगीत हूं ठीक है एक म्यूजिक की तरह हूं कि मैं क्या करती हूं कंटीन्यूअसली लगातार मैं लैंड से और बॉटम लेस सी बॉटम लेस क्यों बोला गया है सी को क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है है ना उसकी जो गहराई है हम हमारे लिए नापना आसान नहीं है इसलिए सी को बॉटम लेस सी बोला गया है ठीक है बेटा तो यही बोला गया है कि मैं क्या करती हूँ मैं लैंड से और सी से ओरिजिनेट होती हूँ निकलती हूँ कैसे भाप के फॉर्म में वेपर के फॉर्म में हम सबने साइंस में वाटर साइकिल पढ़ी है यस और नो वाटर साइकिल पढ़ी है कि नहीं हमने बेटा वर्षा ठाकुर चैनल पर बेटा दिख रहा होगा आपको कि क्लास टेंथ की क्लास नौ बजे है मेरे बच्चे ठीक है पढ़ा है ना वाटर साइकिल सबने इवेपोरेशन क्या होता है कंडेंसेशन क्या होता है हा ना तो रेन यही बोल रही है कि मैं वेपर्स के फॉर्म में लैंड से और सी से ओरिजिनेट होती हूँ ठीक इतना समझ में आया एटर्नल आई राइज एटर्नल मतलब नेवर एंडिंग कि कॉन्टिन्यूसली ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है कभी भी रुकेगा नहीं ना रुका है तो रेगुलरली मैं क्या करती हूँ राइज करती हूँ इम्पैलपेबल मतलब ये डिस्क्राइब नहीं कर सकती मैं इस चीज को

प्रपोजल की क्लास है हमें तो बेटा पूरा सिलेबस की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है ठीक है زيد क्लास 10th का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है मैरेथन भी ले रखा है चैनल पे आप प्लीज क्लास 10th का प्लेलिस्ट देखो बेटा परेशान मत हो तो आप प्लेलिस्ट देखोगे ना तो सारी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी ठीक है बेटा ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड हैं सारे एक द दा बुक दैट सेव द अर्थ को छोड़ के सारे चैप्टर्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको वहां मिल जाएंगे ठीक है बेटा काफी जल्दी कर रहे हैं वैसे आपके स्कूल वाले प्री बोर्ड बट ठीक है वहां से आप हेल्प ले सकते हो सो अपवर्ड टू हेवन वेंस वेंस मतलब वेयर वेगली मतलब नॉट क्लियरली फॉर्मड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम आई डिसेंट डिसेंट मतलब नीचे आना कम डाउन टू लेव लिव मतलब धोना, wash, यहाँ पर सारे डिफिकल्टीनिंग लिखे हैं तो परेशान मत होना ठीक है? सूखा पड़ जाना अटोमिक क्या है यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट ले ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम seeds ओनली लेटेंट unborn. लेटेंट मतलब छुपी हुई, हिडन बरीड अब मैम इसका तो मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है लेट सी कि इसका मतलब क्या है ना right, कर कर तो राइस करती हूँ उसने बताया कि मैं लैंड से और मैं बॉटमलेस सी से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ऊपर जाती हूँ पूरा वाटर साइकिल समझा रही है ऊपर मतलब स्काई में चली जाती हूँ ठीक है इन द फॉर्म ऑफ वेपर वहां जाके मैं अपना फॉर्म बदल लेती हूँ कि मेरा रूप चेंज हो जाता है बट मैं रहती तो सेम है 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 ना मेरा मेरा रूप मेरा जो फॉर्म वही तो तो चेंज होता है, मैं तो सेम ही रहती हूँ तो अब मैं वाटर ड्रॉपलेट बन जाती हूँ ठीक है कंडेंस हो जाती हूँ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट और वो ये भी बोलती है कि भले ही मेरा फॉर्म चेंज हो बट मैं तो सेम ही रहती हूँ आगे रेन बोलती है

जो अर्थ के अंदर जो सीड्स जो छोटी छोटी सीड्स है जो अनबॉर्न है जो छुपी हुई है है ना जो प्लांट की सीड्स है उन पे पानी पड़ेगा तभी तो वो आएंगी ऊपर प्रॉपर सनलाइट प्रॉपर वाटर तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सीड्स है इनसाइड साइड दी अर्थ यानी कि जमीन के अंदर जो छुपी हुई हैं ठीक है वो प्लांट में ग्रो करती हैं क्यों मेरी वजह से क्योंकि मैं उनको वो वाटर प्रोवाइड करती हूँ मैं क्या करती हूँ सीड्स को एक लाइफ प्रोवाइड करती हूँ तो ये सारी बात ये सारी बात यहाँ पर की गई है बेटा जैद जै तो आप इलेवेंथ की क्लास में आके टेंथ के क्वेश्चन पूछ रहे हो ठीक है और मैंने आपको बोला कि आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी करा दिया है वही तो दिक्कत है ना मेरी जान कि आप प्लेलिस्ट नहीं चेक करते हो आप प्लेलिस्ट चेक तो करो कितना टाइम लगेगा जितना टाइम कमेंट करने में लग रहा है ना उससे कम ही टाइम लगेगा प्लेलिस्ट चेक करने में ठीक है पूरा पूरा चैनल नहीं चेक करना है सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करना है क्लास टेंथ का, ठीक है? सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी डरो मत इतना चलो सो so, एक बारी लाइन बाय लाइन देख लेते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए लिखा है कि भाई मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ हेवन यानी स्काई की तरफ मैं जाती हूँ जहां पर मतलब नॉट मतलब क्लियरली ठीक है जहां पर ऑब्वियसली क्लियरली तो नहीं है ये प्रोसेस बट मैं वहां पर अपना फॉर्म बदल लेती हूँ भले ही मेरा फॉर्म बदल जाता है बट मैं सेम रहती हूँ येट द सेम है ना तो मैं वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हूँ जो वेपर है ऊपर जाकर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है बट भाई मैं तो सेम ही रहती हूँ ठीक है और मैं क्या करती हूँ

यस मैम नो मैम क्लियर है नहीं है करा दूंगी बेटा प्रेम करा दूंगी हाँ जी मैम आप ट्वेल्थ की इंग्लिश पढ़ाओगे अगले साल यार मैं इसी साल सोच रही हूँ मतलब अभी नेक्स्ट वीक से ही सोच रही हूँ ट्वेल्थ की इंग्लिश के लिए पढ़ाना ही है ऑब्वियसली तो अभी क्लास इलेवेंथ को ऑलमोस्ट सिलेबस ऑलमोस्ट क्या मतलब सारा ही सिलेबस डन हो चुका है तो नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी इलेवेंथ की कम करके ट्वेल्थ की मैं इंडल्ज करने का सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक से क्योंकि ट्वेल्थ वाले बच्चे ना एक्चुअली चैनल पे हमारे थोड़े कम हैं बट मैं सोच रही हूँ कि ठीक है अभी से शुरू करते हैं धीरे धीरे उन्हें भी चैनल दिखेगा तो होपफुली बच्चे आ ही जाएंगे डजेंट मैटर एटलीस्ट दस बच्चे आएंगे दो बच्चे आएंगे छः बच्चे आएंगे धीरे धीरे करके बच्चे आ जाएंगे तो मेरे दिमाग में भी यही है कि कभी ना कभी तो अपने को शुरू करना ही है सो so, uh, यही प्लान कर रही हूँ मैं पहले मैं एक दो वीडियोस बनाना चाहती हूँ ट्वेल्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव वन शॉट उनके लिए चालू कर दूँ क्योंकि uh, बहुत कम ही लोग हैं जो ट्वेल्थ को पढ़ा रहे हैं इसलिए कोई बात नहीं खुशी लेबरनम टॉप करा दूंगी बच्चे अगर आपको अर्जेंट देखना है तो वो प्ले में है ठीक है एलिंग ट वाला जो चैप्टर है ना वो कट हो रखा है बट अगर आपके सिलेबस में ऑलरेडी यूपी वालों में है तो मैं रिकॉर्डेड भेज दूंगी ठीक है रिकॉर्डेड मैं उसको आप लोगों के लिए भेज दूंगी क्योंकि वो सब बच्चों के लिए नहीं है काफी कम बच्चों के लिए तो मैं आपको रिकॉर्डेड भेज दूंगी आप देख लेना लास्ट की दो लाइंस ब्रैकेट में लिखी हैं फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिली रिटर्न रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या है कि चाहे किसी को फर्क पड़े या ना पड़े वेदर और नॉट केयर फ्रॉम ठीक है इट डजेंट अफेक्ट द रेन और द इफ समन लिसन टू द रेन और नॉट

तो जहां से मैं ओरिजिनेट हुई थी उसी जगह को मैं क्या कर रही हूं लाइफ प्रोवाइड कर रही हूं, हूं, हूं प्रोवाइड कर रही हूं, हूं? हूं. ठीक है अब आगे क्या है द रेन कीप्स एनहैंसिंग द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ अर्थ बाय प्रिपेयरिंग साइकिल फॉर इट सेल्फ अगेन और रेन ने अपने लिए एक लाइफ साइकिल प्रिपेयर कर रखी है कि बार बार वो वेपर के फॉर्म में राइस करती है फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यूनो you know, नीचे आती है और ये उसने किस लिए करा है ताकि जो हमारा अर्थ है वो ब्यूटिफाई ब्यूटिफुल प्यूरिफाई होता रहे टाइम टू टाइम अब जो दो लास्ट लाइंस हमारी ब्रैकेट में लिखी है उसका मतलब क्या है अब इन लाइन्स में कंपेरिजन किया गया है रेन का सॉन्ग से ठीक है रेन का सॉन्ग से The rain is like a song, बोला गया है कि जो रेन है ना वो बिल्कुल सॉन्ग की तरह है एक गाने की तरह है जो कि ओरिजिनेट करती है अपने से से ठीक है है करती अपने बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट करती है जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ सिंगर एंड ट्रेवल्स टू फुलफिल द अर्थ नीड्स एंड जैसे गाना होता है है ना मान लो मैं सिंगर हूँ या मैंने गाना लिखा गाया अब क्या हुआ वो गाना मेरे से जाकर अपने सोर्स से निकल कर पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहा है राइट right? अब मेरे गाने को फर्क नहीं पड़ता मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन उसे सुन रहा है नहीं सुन रहा बट मैंने मेरा पर्पज कर दिया तो बिल्कुल वैसे ही रेन भी बोल रही है कि मैं बिल्कुल सॉन्ग की तरह हूँ जो अपने बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट करती हूँ जैसे सिंगर के दिल से एक सॉन्ग निकलता है वैसे ही इस अर्थ से मैं निकलती हूँ रेन निकलती है पूरे अर्थ पे मैं ट्रैवल करती हूँ घूमती हूँ और फाइनली जहाँ से मैं ओरिजिनेट हुई थी वहीं पर मैं आ जाती हूँ चाहे मुझे कोई सुने ना सुने है ना चाहे कोई मेरी कदर करे रेन बोल रही है या ना करे आई डोंट केयर मैं अपने पर्पस को फुलफिल करती हूँ और मैं वापस लौट आती हूँ ठीक है क्लियर हाँ, जैसे कि मैंने पोइट्री लिखी थी है ना तो आप सबने उस पोएट्री को सुना मुझे इतना प्यार दिया अब जिन्होंने नहीं सुना मेरी पोइट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई है बट जिन्होंने भी सुना वो प्यार के फॉर्म में मेरे पास वापस ट्रैवल होके आ गए ठीक है मैम टुडे आई डिड एडवेंचर चैप्टर इन माय क्लास एंड द टीचर वाज वेरी हैप्पी लास्ट नाइट बाई वीडियो रियली स्वीट ठीक है क्लियर अब लाइन बाय लाइन देख लेते हैं बोला है फॉर एवर यानी कि यह प्रोसेस चलता ही रहता है रात और दिन में क्या करती हूँ अपने ओन ओरिजिन यानी कि जहां से मैं निकली थी वहीं पर मैं दोबारा आती हूँ करती हूँ के बाद यहाँ वहां घूमने के बाद चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे वो ड्यूली विद लव वापिस आ जाता है बिल्कुल मैं भी वापिस अपने अर्थ पे सोर्स पे आ जाती हूँ so, यहाँ पे हमारी जो पोम है वो बिल्कुल खत्म होती है ठीक है आई होप सबको समझ में आया मैं एक और बार समझा देती हूँ भाई तुम लोगों के लिए क्योंकि मुझे नहीं चाहिए किसी को भी डाउट रहे ठीक है तो अब मेरा जो पेन है ना उसे देखना मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगी ठीक है पोइट बोलता है हु आर दो तुम कौन हो मैंने पूछा सॉफ्ट फॉलिंग शार यानी कि रेन से विच जो स्ट्रेंज टू टेल बड़ी अजीब सी बात है कि रेन ने मेरा जवाब दिया मेरा आंसर दिया जो कि मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर रखा है आई एम दी पोम ऑफ द अर्थ मैं इस अर्थ की कविता हूँ किसने बोला रेन ने बोला मुझे एटर्नल मतलब लगातार मैं क्या करती हूँ इम्पेलपेबल मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकती मैं लगातार मैं क्या होती हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स मैं ऊपर जाती हूँ ठीक है लैंड से और कहां से बॉटमलेस सी से यानी कि जो वेपर्स हैं अब जैसे समुद्र है समुद्र पे सूरज की किरणें पड़ती हैं राइट तो कुछ पानी भाप बन के ऊपर जाता है वही पानी फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आता है तो जो रेन है वो यही बता रही है कि मैं समुद्र से और कैसे मैं जमीन से भाप के फॉर्म में ऊपर चली जाती हूं अब मैं ऊपर कहां जाती हूं स्काई में एकदम हेवन में जाती हूं जहां पर क्लियरली तो फॉर्म नहीं होता वो प्रोसेस क्लियर नहीं है बट ऊपर येट द सेम तब भी सेम ही रहती हूँ मैं तो मैं ही रहती हूँ उसके बाद में डिसे वॉश करती हूँ जो सूखा पड़ा होता है जो भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो भी डस्ट लेयर्स होते हैं उन्हें मैं वॉश करती हूँ एंड जो सीड्स होती है छोटी छोटी है ना जो latent, मतलब छुपी छुपी भी होती है 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 ठीक जो जो हमारी जमीन है, उसके नीचे seeds, हमने बिल्कुल छुपी हुई है, बाहर है, नहीं है, तो भी मैं पानी प्रोवाइड करती हूँ ताकि वो एक ब्यूटीफुल से प्लांट में ग्रो हो सके अब ये प्रोसेस फॉर एवर चलता है दिन और रात चलता है मैं लाइफ प्रोवाइड करती हूँ किसको मेरे ओन ओरिजिन मतलब जहां से मैं ओरिजिनेट हुई थी जहां से मैं निकली थी उसी जगह को उसी अर्थ को उसी लैंड को मैं दोबारा लाइफ प्रोवाइड करती हूँ कैसे भाई बारिश होती है तो सारी डस्ट हट जाती है बारिश होती है तो छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगते हैं ना तो मैं उन्हें एक जिंदगी प्रदान करती हूँ एंड इस अर्थ को इस धरती को प्योर और ब्यूटिफाई करती हूँ ब्यूटिफुल बनाती हूँ लास्ट की दो लाइन्स में रेन ने रेन का कंपेरिजन एक गाने एक सॉन्ग से कर रखा है के जैसे कि एक गाना होता है

वो गाना वापस आ जाता है बिल्कुल वैसे ही बारिश भी अपना पर्पज फुलफिल करती है और फिर धरती पर जब गिरती है तो वो वापिस आ जाती है उसे फर्क नहीं पड़ता कि किसी को बारिश पसंद है नहीं पसंद क्लियर अब मैंने रेग्ड एन रेग्ड वाली लाइन भी एक्सप्लेन कर दी पूरी पोम ही दोबारा एक्सप्लेन कर दी अभी एक बार ही बता देना सबको समझ में आया कि नहीं अब हम चलते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस पे ठीक है ओके okay? इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा रखे हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे वहाँ से आपको मिल जाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन में क्लास इलेवेंथ प्ले का भी लिंक है आप वहाँ भी देख सकते हो कि हर एक लेक्चर जो अभी हो रहा है वो पहले भी हो रखा है और उन पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं ठीक है सो पोएटक डिवाइस सबसे जो इम्पोर्टेंट है पहला वो है परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन क्या होता है जब भी हम एक नॉन ह्यूमन चीज को हमारी हम ह्यूमन की क्वालिटी दे सकते दे देते हैं ठीक है हाँ बेटा टेंथ की क्लास नौ बजे है अभिषेक ठीक है टेंथ की क्लास नौ बजे है इतना समझ में आया सभी को क्या बोल रही हूं मैं परसोनिफिकेशन क्या होता है जब हम नॉन ह्यूमन क्वालिटीज ओ नॉन ह्यूमन चीजों को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं उसे हम परसोनिफिकेशन बोलते हैं पोइट ने क्या करा है एक नॉन लिविंग चीज को एक लिविंग चीज की तरह बात करी है जैसे कि आई एम दी पोम ऑफ दी अर्थ सेट द वॉइस ऑफ द रेन क्या आपने कभी बारिश को बात करते हुए सुना है नहीं बट पोइट ने क्या करा है बारिश में रेन में एक जान सी डाल दी है राइट right? तो यहां पर पोइट ने परसोनिफिकेशन यूज किया है ठीक है नेक्स्ट है बेटा जी मेटाफर मेटाफर क्या होता है कंपैरिजन करना तुलना करना बिना लाइक और एज लगाए जब हम डायरेक्टली किसी चीज का कंपैरिजन कर देते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे जो रेन है उसको पोम से सॉन्ग से कंपेयर किया गया है राइट रेन इज बीइंग टू अ पोम पोम आई एम ऑफ अर्थ ठीक है तो रेन को डायरेक्टली पोम बोल दिया गया जैसे अगर मैं बोलू की लाइक like oh, like तो लगाना ही नहीं है ही वॉज अ लाइन इन द बैटल फील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में वो शेर था मैंने उसको डायरेक्टली शेर बोल दिया Obviously, उसकी क्वालिटीज के बेसिस पे बोला कि भाई वो बहुत बहुत ब्रेव था या उसने ही बहादुर तरीके से लड़ाई करी है ना तो इसलिए मैंने उसे शेर बोला बट मैंने लाइक अ लायन नहीं बोला डायरेक्टली बोल दिया भाई तू तो शेर था राइट right? तो इसको हम मेटाफर बोलते हैं अब इसने भी डायरेक्टली बोल दिया कि मैं कौन हूँ अर्थ की पोम हूँ तो ये क्या हो गया हमारा मेटाफर नेक्स्ट है हाइपरबोले हाइपरबोले क्या होता है मैंने आपको पोइटिक डिवाइसेस के ऊपर एक अलग से लेक्चर भी दे रखा है चैनल पे जिसमें मैंने एक-एक पोइटिक डिवाइस आपको डीप में समझाई है और उसमें मैंने आपको बताया था हाइपरबोले मतलब मोहल्ले की आंटी जैसे कि मोहल्ले की आंटियां एक ही बात को बड़ा चढ़ाकर हमारे घर पर बताकर जाती हैं वैसे ही हाइपरबोले का काम होता है एक ही चीज को एग्जाजरेट कर देना इतना बड़ा चढ़ा देना कि बस पूछो ही मत इसलिए वो हमेशा मोहल्ले की आंटियां हाइपर रहती है ना तो उससे आप इसको याद रख सकते हो हाइपर बुले ठीक है अब हाइपर बुले क्या है बॉटम लेस सी बॉटम लेस सी अब ऐसा तो नहीं है कुछ तो उसका बॉटम होगा समुद्र का भी बट बॉटम लेस क्यों बोला है गहराई दिखाने के लिए ठीक है अगर ऐसे ही मैं बोलूं कि तुम्हें पता है खून की नदियां बह गई थी या खून की नदी बह सकती है हाँ नदी में बहुत सारा खून हो सकता है बट खून की नदियां बह गई थी क्या मैंने बात को बड़ा चढ़ा दिया तो दैट इज हाइपर समझ में आया तो जैसे मोहल्ले की आंटी होती है बिल्कुल वैसे ये वाला फिगर ऑफ स्पीच हमारा होता है नेक्स्ट है इमेजरी इमेजरी क्या होता है इमेजरी क्या होता है बताओ वट इज इमेजरी किसी भी चीज का विजुअल डिस्क्रिप्शन हमारे आंखों के आगे देना है ना हमें इमेजिन करा देना जब मैं ये पोम पढ़ा रही थी तो मेरी आंखों के आगे एक एक चित्र बन के आ रहा था और आपकी आंखों के आगे भी आया होगा अगर आपने ढंग से पढ़ी है राइट right? तो जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन है सॉफ्ट फॉलिंग शार तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां पर हम एक्चुअल में रेन को इमेजिन कर रहे हैं राइट right, तो यहाँ पे इमेजरी का भी इस्तेमाल हुआ है क्लियर एवरी वन सो दैट्स एट फॉर टुडे जे जो बच्चे बोल रहे हैं मैम हमको क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है हमको लेक्चर नहीं मिल रहा तो उनको मैं एक बार ही दिखा देती हूँ भाई कि तुम्हें क्या नहीं मिल रहा इतना सिंपल सा प्रोसेस है मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग करते क्यों नहीं हो बस एक ही बात मैं बोल बोल के थक जाती हूँ बट मजा ले तुम लोग कर लो बिल्कुल नहीं करेंगे है ना एक रोटी नहीं पचेगी हमारी अगर हमने बिल्कुल मैम की बात को मान लिया तो कतई नहीं करेंगे मैम जो मर्जी कर लो आप अभी एक सेकेंड लगेगा इसको नेट को चलने में फिर दिखाती हूँ ठीक है तो तुम लोग ना बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हो ऐसे चाहते हो बिल्कुल बैठे बिठाए सारे भोग मिल जाए हमें है न इधर आलू गोभी इधर भिंडी इधर राजमा इधर आलू टमाटर इधर चावल चटनी रायता रोटी ओ हो हो स्वाद बिल्कुल हाथों में मिल जाए बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे बिल्कुल में हेल्प नहीं कराएंगे किसी में हेल्प नहीं कराएंगे ना अब ये चल जाएगा थोड़ा सा टाइम लेता है ये कनेक्ट होने में गेम भी नहीं आ रहा वरना तब तक गेम खेल लेते हैं वो वाला गेम खेला किसी ने जब नेट बंद हो जाता है तो ऐसे स्पेस बार दबा दबा के टक 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 वो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है आई चल गया है। यप। so, YouTube है यप। सो खोलना बेटा जो कि आपने ऑलरेडी खोल रखा है यहाँ पर आपको मेरा प्यारा सा चैनल दिखेगा अब अगर आप आज ही की क्लास देख लो वैसे तो आपको यहां पर भी प्लेलिस्ट दिख जाएगी यदि सामने क्लास इलेवेंथ इंग्लिश वन शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन से भी आपको इसका लिंक इजिली मिल जाएगा अगर आप बेटा इसे खोलने का कष्ट करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि आपकी मैडम ने आपको सारी चीजें करा रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बस इसको देखने की देर है ये देखिए सारे चैप्टर अभी द वॉइस ऑफ द रेन भी आपको ये रहा देखो ये रहा जो मैंने आपको पहले करा रखा है ना द वॉइस ऑफ द रेन राइट इसमें लिखा भी है पोइट्रिक डिवाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो सारी मैं बोल रही हुई एक एक चीज तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी इस प्ले के अंदर अभी मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ फाइनल एग्जाम का बट रिवीजन कब करते हैं जब सिलेबस कंप्लीट हो तो मैंने क्योंकि सिलेबस कंप्लीट ऑल रेडी करा दिया है आप देख सकते हो इनमें जाकर है ना तो इसलिए मैं आपको दोबारा रिवीजन करा रही हूँ आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए कुछ मर्जी चाहिए तुम सीधा यार इन पे जाओ या टेलीग्राम पे जाओ तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा ये देखो मैंने तुम्हें दो महीने पहले दो महीने पहले सोचो मैंने तुम्हें ये करा दिया था समझ रहे हो तो यहां पर तुम देखोगे ये री मैं ये करा रही हूँ तुम्हें द वॉइस ऑफ द रेन राइट इसको आगे आगे लेकर चलो ये देखो क्वेश्चन आंसर भी मैंने डेफिनेटली कराए होंगे ये पोइटिक डिवाइस आ गई ठीक है ये रे तुम्हारे क्वेश्चन आंसर ये करा रही हूँ मैं एनसीआर के भी कराए हैं और ये लो प्रीवियस ईयर भी कराए हैं और ये तुम्हारी पीडीएफ भी मैंने तुम्हें टेलीग्राम पर भी दी है टेलीग्राम का लिंक पहले नंबर पे है डिस्क्रिप्शन में समझ रहे हो तो ये बात बता रही हूं मैं तुम्हें कि मैंने तुम्हें सब दे रखा है तुम्हें बस एक बार प्लेलिस्ट देखने की अभी कितना टाइम लगा मुझे देखने में दो मिनट आलस खाते हो बस मेंटी कल करेंगे ठीक है कल पक्का क्लास इलेवेंथ की मेंटी पक्का कल पक्का सौ प्रतिशत आज रात में इवेंट डाल दूंगी ठीक है अभी दसवीं की क्लास है उसके बाद इवेंट डाल देंगे ठीक है बेटा एलिंग प्ला, प्लानट वाला जो चैप्टर है वो रिकॉर्डेड भिजवा दूंगी तुम्हें इसी हफ्ते ठीक है या तो संडे को मिल जाएगा तुम्हें चलो सो दैट्स इट फॉर टुडे कल की क्लास में मेंटी क्विज करेंगे सारे जितने चैप्टर्स करा दिए हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या मेंटी क्विज होगा कल तो टाइम से आ जाना ये नहीं कोई बच्चा आठ पंद्रह पे आ रहा है कोई आठ बीस पे आ रहा है फिर मेंटी ज्वाइन कर रहे हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है डॉट आठ बजे आ जाना ठीक है चलो जी तो कमेंट करके जरूर से बता देना आपको आज की क्लास कैसी लगी मैं आप सभी से मिलूंगी कल एट द सेम टाइम एट पी थैंक यू सो मच बाय टेक गुड केयर ऑफ यर